से आंसू तो पुष्ट हुए। सॉरी। सेम टाइम जैसे कि आपने कहा कि लोगों के बहुत सारे चेंजेस आए, आपकी क्या क्या चेंजेस आपने देखा? आप अभी बहुत इमोशनल हो गए थे। एक्चुअली मेरा नजरिया काफी बदला है लोगों को देखने का, और एक तो मुझ में कई चेंजेस हुई हैं। एक तो मुझ में, मुझे लगता है एक पेशेंस, मैं पहले से पेशेंट था काफी, और ज्यादा पेशेंट हो गया हूं मैं, और मैं जजमेंटल कम हो गया हूं लोगों की तरफ मैंने, क्योंकि इतनी चीजें देखी हैं, इतनी गहराई में सच्चाइयों को देखा है अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, कि एक फिर आपको लगता है कि यार मैं इस आदमी को जज कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या मजबूरी है। तो ये चीजें मुझे ज्यादा समझ में आई, तो एक मैच्योरिटी आई है मुझ में। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जज्बाती तौर पे काफी मैं खूनम खून हो गया हूं क्योंकि खूनम खून मतलब काफी इंजर्ड हो गया हूं, नहीं इंजर्ड, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हम शो पे तो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूं, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियां देखता हूं, और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे, ऐसी चीजें होती हैं जो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उस विषय को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे वो चीजें देखनी जरूरी है, मुझे वो जानकारी पाना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक जो हमारा प्रीवियस एपिसोड में, प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला, तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था, और जिसको लोगों ने, जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था, और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे, मैं नहीं, मतलब मैं, मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। तो बहुत सारी चीजें देखी है मैंने जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से, वो हमने, तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती। तो जब मैं कहता हूं कि इमोशनली काफी मुश्किल रहा है ये सफर मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी सच्चाइयों को देखना पड़ा बहुत नजदीक से, ऐसे लोगों के जज्बातों के नजदीक मैं आया जो एक तरह से अब्सॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है, उसके साथ फिर समझौता करना, उसको अब्सॉर्ब करना, उसको समझना, उसको गुस्सा आता है, आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फौरन इस बाकी शो छोड़ो, पहले ये प्रॉब्लम, इस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप वो करना चाहते हैं। तो इमोशनली ये बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफर, मुझे लगता है। सर, आपके जब पहला सीजन चालू था शो के, जो नाम के लिए लेके बहुत सारी मतलब डिस्कशन थे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा बोलिए। शो का जब पहला सीजन चल रहा था, यू नो, जब उसका टाइटल था, अरे यार तुम लोग इसे आंसू तो पोस्ट दो यार, सॉरी, हाँ सॉरी, फिर से पूछिए।